बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चौक के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है और ईद का ड्रेस है। ईद का अगर अभी तक आपने ड्रेस नहीं बनाया तो आप सबने इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये गला, ये नेक लाइन जो मैंने रेडी कर ली है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। हमारा जो चौक का डिज़ाइन है इसी हवाले से है, उसके ऊपर लेस भी होगी, उसके ऊपर ये सिलाइयों वाला कपड़ा भी होगा। तो ये है वो कुर्ता, मैं आपको दिखा दूँ। कुर्ते के चौक के ऊपर हमें ये बनाना है। हम पूरे दामन पे ओवरऑल नहीं बनाएंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हम पूरे दामन पर क्यों नहीं बना रहे। सिर्फ इसके ऊपर हमने एक बॉर्डर देना है, साथ में लेस देनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। तो ये है मेरे पास दो पट्टियाँ जो मैंने चौक के साइड के लिए रेडी कर ली है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। इसकी मैंने लंबाई ली है 18 इंच, इनकी मैंने चौड़ाई ली है 1.5 इंच और मैंने इसे आधे इंच के गैप से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि सिलाइयाँ किस तरह लगती हैं तो मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाकर सीख भी सकते हैं। तो ये देखें, आधे आधे इंच के गैप के ऊपर मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। नीचे 0 का बुकरम है और ऊपर से मैंने इसे राउंड शेप दी है। राउंड शेप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देती है, ऊपर से इसको राउंड शेप दी है। और ये है वो लैस जो कि GPO लैस है, जो मैं गुम सिलाई के साथ इसके अंदर अटैच करूँगी। तो लगाते हैं शर्ट के ऊपर। तो जिस साइड के ऊपर हमने ये पट्टी और लैस अप्लाई करनी है, इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। आसानी के लिए इसे हम प्रेस करेंगे। अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं, प्रेस किए बगैर बना सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, मगर प्रेस करना ज़रूरी है, इससे आपके काम में नीटनेस बहुत ज़्यादा आएगी। तो मैं इस चौक को पहले ही प्रेस की मदद से इसकी क्रीज लाइन बिठा लूँगी। ये लीजिए, तो दूसरे वाले चौक को भी मैं प्रेस कर लूँगी, उसके बाद में इस पे के ऊपर पट्टी लगाना आपको बताती हूँ। जो मैंने इसको क्रिस बनाई है, अब हमने इसे इस तरह फोल्ड करना है। पहले हम इसके ऊपर एक रफ़ स्टिच करेंगे ताकि वो बॉर्डर पट्टी लगाते वक्त हमारी ये जो पट्टी है ये खुले नहीं। तो रफ स्टिच सिर्फ हमने एक साइड पे की है, दूसरे साइड को मैंने इस तरह ओपन छोड़ दिया। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसके ऊपर हम क्या पट लगाएंगे। तो हमने जो पहला साइड था इसको मैंने रफ स्टिच कर ली है, अब इस शर्ट को हम पलटेंगे। तो जहाँ पर हमारे ये चाक का एंड हो रहा है इसको इस तरह खोलेंगे और इसके ऊपर ये रखेंगे पट्टी। जो राउंड वाली शेप है इसे हम इस साइड पर रखेंगे और बहुत ही सेटिंग के साथ इसके ऊपर अब हमने लेनी है ये लेस और लेस को नीट करना है। मैं यहाँ से नीट करूँगी। तो एक साइड के ऊपर मैंने ये पट्टी और लेस लगा ली है, सेम इसी तरह मैं दूसरे वाले साइड पर भी लगा के आपको दिखाऊंगी। फिर मैं आगे चल के बताऊंगी कि हम इसे किस तरह नीट करेंगे इसके दामन को और आपको इसकी लुक दिखाऊंगी।
तो मैंने इसका दामन नीट कर लिया है। दामन पे सेम जो हमेशा करते हैं फिनिशिंग पट्टी, उसके साथ मैंने इसके दामन को नीट कर लिया है और ये है इसकी फाइनल लुक। और आप देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश माना जाता है। अगर आप लोग कुर्ता पहनना पसंद करते हैं, अगर छोटे चाक पहनना पसंद करते हैं, फिर तो ऑसम लगेगा। और मैंने इसके बैक वाला जो चाक है उसको सेम फिनिशिंग पट्टी से नीट कर दिया है। मैं आपको उसके दोनों चौक दिखाती हूँ। ये है इस साइड पर और ये है, और मैंने इसकी थोड़ा सा ग्राउंड शेप दी है, इससे थोड़ा सा एक ब्यूटीफुल सी लुक आ जाती है। अगर आप लोग इसको स्क्वायर रखेंगे तो शायद ये इतना अच्छा नहीं लगे जितना ये राउंड के अंदर लग रहा है। लेस स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेम सिंपल पट्टी लगा लें। तो आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी हो। ये हैं इसके स्लीव्स, इसके स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इसी तरह राउंड कफ बनाए हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये कफ वाले स्लीव्स मैंने किस तरह बनाए हैं, सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेम यही वाले बाजू बनाना सिखा दूंगी। ये पूरे बाजू के ऊपर मैंने कफ नहीं लगाया, ये स्टाइल दिया है। तो ये थी इस ड्रेस की फाइनल लुक। उम्मीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमेशा की तरह आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, बहुत दूर जगह से देखते हैं, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती, मुझे कभी सोचा भी नहीं होगा वो नाम। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियोस कहां कहां से देखी जा रही है। आप सबका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डिज़ाइन और एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।